हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे जाके आप मेरी बाकी की वीडियोज देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने वीडियो आपको करवाई हुई है, और जैसे इसकी पीडीएफ कंप्लीट होती है आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। तो देखिए, जीएसटी, जो जीएसटी का मतलब होता है वो होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि एक राष्ट्र, एक टैक्स और एक ही मार्केट, यही एक जीएसटी का आपका मेन क्या था, लक्ष्य था। ठीक है, एक राष्ट्र, ठीक है, एक टैक्स और एक आपका मार्केट, तो ये आपका जीएसटी का लक्ष्य था। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था, कोई भी चीज़ होती थी उस पर सेंट्रल टैक्सेस लगते थे, आपके स्टेट अलग टैक्स लगाता था। ठीक है, तो जैसे इसको पूरे में एग्जांपल के तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसे सेंट्रल टैक्स में आपके सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सर्विस टैक्स सरचार्जेस, सेस हो गया आपका, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सक्सेशन टैक्स। इसी तरह से आपके स्टेट लेवल के टैक्स होते थे, स्टेट टैक्स होते थे, स्टेट वैट भरना पड़ता था, सेल टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर लैंड रेवेन्यू टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, रोड टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स। तो इतने तरह के आपके अलग अलग तरीके के जो टैक्स हैं वो लगते थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, इतने सारे टैक्स से बचने के लिए ये जो अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, अलग अलग राज्य हैं, उनमें एक ही वस्तु पर अलग अलग कर जो है वो लगाए जाते थे। तो उन सभी को, ये सभी झंझट से बचने के लिए जीएसटी लागू किया, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट में और एक पर्टिकुलर, सपोज करो एक आपके पास न्यू दिल्ली स्टेट है और एक आपके पास क्या है, ये यूपी स्टेट है, तो यहाँ पे एक वस्तु का प्राइस कुछ और होगा, यहाँ पे टैक्स लग के वस्तु का प्राइस क्या होगा, अलग होगा। तो इस चीज़ की, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए थे। तो आगे हम पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में थोड़ी सी, इसकी हिस्ट्री, स्ट्रक्चर क्या है इसका। देखिए, जीएसटी में आपका क्या है, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया था कि ये लगाया किसी पर जाता है लेकिन इसको पे कोई और करता है। जैसे ए और बी है, लगता ए पर है ये टैक्स, लेकिन इसको पे कौन करता है, बी करता है। जनरली कंज्यूमर ही हो गया आपके जो इसको पे करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें 17 टैक्स हो गए आपके और 23 इसमें सेस लगते हैं, जीएसटी के अंदर इंक्लूड होता है। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स और इसको हम डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन टैक्स क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे। भारत में एक इंटीग्रेटेड मार्केट डेवलप करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ये इसका लक्ष्य है। मतलब वन नेशन, वन टैक्स एंड वन मार्केट। उसके बाद हम इसकी जीएसटी की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जीएसटी लागू करने का जो सुझाव था वो दिया था विजय केलकर समिति ने दिया था। 122वां संविधान संशोधन बिल जो है वो संसद में लाया गया। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने तो सजेशन कर दिया, लेकिन आगे जब इसको कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये लोकसभा में पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा के सदस्यों से ये पास करवाना पड़ेगा, और फिर अल्टीमेटली लास्ट में जो प्रेसिडेंट है वो इस पर अपने हस्ताक्षर करके इस बिल को पास करता है। यही एक प्रोसेस रहता है, और अलग अलग राज्य भी जो है वो अपनी सहमति दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बिल है लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा में ये जो आपका बिल है वो 3 अगस्त 2016 को पास किया गया। वहीं राज्यसभा, क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो इनको कोई दिक्कत नहीं आई ये बिल पास करवाने में, विपक्ष की ओर से बहुत ही ज़्यादा इनको ये बिल अड़चने जो है वो देखने को नहीं मिली, क्योंकि सरकार इनकी थी, अलग अलग राज्यों में, काफ़ी राज्यों में इन्होंने अपनी सरकार बनाई हुई थी, तो इस बिल को पास करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। 8 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा से भी पास हो गया, और फिर 15 राज्यों ने इसे पास भी कर दिया। ठीक है, इससे पहले जो जीएसटी बिल है उसको रेटिफाई और पास असम राज्य ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो जीएसटी बिल है उसको रेटिफाई और पास कौन से राज्य ने किया था, तो ये है आपका असम, इसका आंसर हो गया। आगे देखिएगा, फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016, ठीक है, ये डेट याद रखेगा, 8 सितंबर 2016 को इस पर जो है वो ये पास कर दिया, अपने हस्ताक्षर करके बिल पास कर दिया।
तो इस प्रकार 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जीएसटी को भारत के संविधान में जोड़ा गया, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे जितने आईएमपी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जीएसटी की जो टाइप्स हैं, देखिए जीएसटी में आपके तीन तरीके से जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट होते हैं। सबसे पहले है सीजीएसटी, सेकंड वन इज एसजीएसटी और थर्ड वन इज आईजीएसटी। जीएसटी तो सभी में कॉमन ही है, इनके आगे टर्म लगा दी सी एस और आई। बहुत ही सिंपल है इसको एक्सप्लेन करना और इसको समझना। सी फॉर सेंटर, सेंटर मतलब यूनियन। एस फॉर यानी कि इसकी कलेक्शन आपकी सेंटर कलेक्ट करेगी, सेंटर टैक्स लगाएगी। स्टेट जीएसटी आपकी स्टेट कलेक्ट करेगी। और आईजीएसटी जो होती है आपकी, आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, मतलब जब ट्रेड एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हो, और ये कौन से अनुच्छेद कौन से आर्टिकल के तहत ये चीज़ ये टैक्स लगाया जाता है, ये बात कही गई है 269A, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 269A के तहत ये बात कही गई है। और संविधान में कौन सा अमेंडमेंट किया गया है इसके अकॉर्डिंग, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किया गया है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये जो टैक्स है आपका आईजीएसटी, जो टैक्स है आपका आईजीएसटी, ये एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में लगता है। तो ये आईजीएसटी को जो कलेक्ट करता है वो कौन कौन करता है, एक सेंटर कलेक्ट करता है या फिर एक जो कंज्यूमर है हर उस राज्य को मिलता है जहां अंतिम उपभोक्ता निवास करता है। जैसे ये न्यू दिल्ली है यहाँ, और ये हरियाणा है, ठीक है। कोई आइटम है न्यू दिल्ली में, कोई बंदा बैठा है ए, इसने कोई आइटम फूड आइटम जो है वो ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर किया हरियाणा से, तो ये अल्टीमेटली निवास कहाँ कर रहा है, न्यू दिल्ली में निवास कर रहा है। तो इस ए पर ये क्या लगेगा, आईजीएसटी लग के आएगा। जब ये अपना बिल देखेगा तो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि एक ट्रेड से दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पे टैक्सेस दो तरीके से कैलकुलेट होगा, सेंटर के पास जाएगा और फिर बाकी जो टैक्स जो कलेक्ट होगा आईजीएसटी, वो उस राज्य को जहाँ पे ये उपभोक्ता निवास कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में रह रहा है, हरियाणा से मंगा रहा है, तो इस पर आईजीएसटी लगेगा और ये न्यू दिल्ली को जाएगा आईजीएसटी। आगे देखिए जीएसटी काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जीएसटी काउंसिल। देखिए कोई भी काउंसिल होती है, कोई भी जैसे जीएसटी का प्रस्ताव होता है, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि हर आइटम में जो है वो कितना टैक्स लगना चाहिए, अलग अलग तरीके की जो स्लैब हैं वो किस तरीके से निर्धारित की जानी चाहिए। तो उसके लिए काउंसिल, काउंसिल मतलब बैठक एक तरीके से, हर चीज़ में काउंसिल होती है। जैसे जिला परिषद हो गया, तो हर चीज़ में काउंसिल तो होती ही है, मंत्रियों की बैठक होती है। तो जीएसटी काउंसिल भी होती है, जो जीएसटी को लेकर के कैसे कैसे उसमें चेंजेस किए जाएं और कैसे कैसे उसमें नई चीज़ें लाई जाएं, नए टैक्स इम्पोज किए जाएं, तो वो चीज सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस होती हैं इसमें। संविधान में जीएसटी काउंसिल को लेकर के एक नए अनुच्छेद 279A में जो है ये बात कही गई है। 279A में जीएसटी काउंसिल होती है, एक ये चीज की बात की गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे देख लेते हैं इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब ये जो जीएसटी काउंसिल है इसमें होता कौन कौन है, मतलब इसमें टॉप अथॉरिटी के कौन से लोग होते हैं, टॉप अथॉरिटी के, और फिर देखा जाए तो लास्ट में ग्राउंड लेवल तक कौन कौन से लोग इसमें होते हैं और किसकी कितनी वेटेज रहती है, किसकी कितनी अहमियत रहती है। कुल इसमें 33 सदस्य होते हैं। भारत का जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इसमें टॉप अथॉरिटी पर होता है। फिर उसके बाद चेयरमैन होते हैं फाइनेंस कमीशन के, वित्त आयोग होता है वो इसमें शामिल होता है। और उसके बाद फिर होते हैं इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त कर मंत्री जो हैं वो इसमें इसमें शामिल होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो वित्त मंत्री है फाइनेंस, ऑफ कोर्स इनको जो इकोनॉमी की है अच्छी खासी नॉलेज भी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इनको आनी चाहिए। तो केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त कर मंत्री इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेटेज, इस काउंसिल में 50% मेंबर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके ये जीएसटी काउंसिल जो है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। अगर किसी चीज़ को पारित करना, अगर किसी चीज़ पे बहस छिड़ गई, वोटिंग करनी है, तो उसमें कम से कम 50% मेंबर जरूर होने चाहिए। जैसे 23 सदस्य टोटल होते हैं, तो 50% में करीब करीब ये आपका
17 मेंबर जो है वो इसमें एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर किसी बात पर वोटिंग हो तो 3/4 वोट पर डिसीजन जो है वो मान्य होता है। 3/4 वोट्स जरूर होनी चाहिए अगर हमें कोई बिल पास करवा कुछ भी बात अपनी इसमें पास करवानी है, जिसमें 1/3 जो वेटेज है वो केंद्रीय राज्य मंत्री को दी गई है और 2/3 जो वोट देने का अधिकार है वो राज्यों के वित्त कर मंत्री के पास ये अधिकार होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी राज्यों को ज़्यादा अहमियत दी गई है कि वो अपनी किसी बात पर वोटिंग जो है वो अपने वोटिंग मतलब एक तरीके से अपनी बात जो है वो जाहिर करें। अब आगे देखिए, बहुत बेस्ट तरीके से मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जिसमें आपका जीएसटी नहीं लग रहा और एक में हम जीएसटी लग रहे हैं। लखनऊ का कोई प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट है, जिसकी कीमत 1,000 रुपये है। इसे सेम स्टेट दूसरे जिले वाराणसी, अब यूपी की बात हो रही है, यूपी में ही एक जिला आपका लखनऊ हो गया और एक आपका वाराणसी हो गया, ठीक है। तो वाराणसी में 10% वैट लगाकर इसको बेचा गया, तो वाराणसी में इसकी कीमत होगी 1,100 रुपये, लखनऊ में था 1,000 रुपये में। अब ये आपका एक ही स्टेट में दूसरे जिले में भेजा गया है वाराणसी में, तो 1,100 रुपये लग गया। इसमें सीएसटी तो लगेगा नहीं क्योंकि स्टेट जो है वो वही है, आपकी जिला ही अलग है, स्टेट तो वही है। तो अब वाराणसी से हरियाणा में भेजने के लिए एक तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी रखा होगा, 790 उसने प्रॉफिट मार्जिन रख लिया अपना, और साथ में सीएसटी तो लगे लगेगा, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है इंटर स्टेट के लिए लगता है वो 10% लगेगा। हमने टैक्सेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली है तो हमें पता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जीएसटी नहीं था तो हम सीएसटी लगा देते थे, सेंट्रल सेल टैक्स। इसी प्रोडक्ट की कीमत अब हो गई आपकी 2,000, जिसमें से आपका 1,100 रुपये तो ये यहीं पे था, ये आपका वाराणसी में था, वाराणसी से हरियाणा में भेजना था, 10% आपका सीएसटी लग गया, 110 रुपये हो गया, और इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ा 790 रुपये, तो टोटल 2,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, अब जाकर के लखनऊ से हरियाणा में क्या कीमत रहती है वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए, लखनऊ में इसका प्राइस 1,000 था वाराणसी में, अब यहाँ पे अब 10% तो लग रहा था, सेम है, 10% लग के 1,100 बन गया, यहाँ पे सीजीएसटी लग गया, एसजीएसटी लग गया, 5% सीजीएसटी का है और 5% ही आपका एसजीएसटी का हो गया, तो 50 रुपीज़ यानी 100 हो गया। तो अभी वाराणसी में प्राइस 1,100 रुपये है, सारी चीज़ें सेम है, प्राइस अभी भी सेम हो रहा है। इसमें यही प्रोडक्ट आपको हरियाणा में भेजना है, 1,100 रुपये तो वाराणसी में इसका प्राइस था ही, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा 790 रुपये, अभी ये हो गया आपका 1,890 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सीएसटी लगता था वैसे आईजीएसटी लग गया, मतलब एक जो ट्रेड है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, तो इस पर लग गया 10%, तो 10% लगने के बाद इसकी कीमत हो गई आपकी 2,000 रुपये। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, आपने ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी ये लगा दिया था, ये ऊपर लग चुका था, तो दोबारा से हम ये क्यों इसमें दे रहे हैं? तो यहाँ पे आप क्या करिए, अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं, वह भरा जा चुका है पहले ही, तो यहाँ पे ये जो 2,000 हैं इसमें से आपका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो आप क्लेम कर सकते हैं कि हम ये जो है वो भर चुके हैं, ये पहले ही भरा जा चुका है जब ये लखनऊ से वाराणसी में गया था। तो अभी इसकी कीमत 1,900 रुपये रहेगी, तो अभी यानी प्राइस इन हरियाणा कितना हो गया 1,900 रुपये, यहाँ पे कितना था 2,000 रुपये, यही फर्क है जीएसटी लगने के। प्राइसेस में वेरिएशन आई है, झंझटों से बचने के लिए अलग अलग टैक्सेस जो लगते थे, ठीक है, तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हम जीएसटी लेके आए। अब आगे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीएसटी की टैक्स स्लैब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जीएसटी टैक्स स्लैब, चेंजेस इन द जीएसटी रेट्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए, या तो हमारे सर्विसेज होंगी या फिर गुड्स होंगी, इन्हीं पर हमारा क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। सर्विसेज कितनी भी तरह की सर्विसेज हो सकती हैं, आपकी रेलवे की, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो गई, आपकी कंसल्टेंसी की, टेलीफोनिक सर्विसेज की, और गुड्स में जैसे आपकी जितनी भी सामान हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, रेफ्रिजरेटर हो, पेंसिल पेन या जितनी भी आइटम्स हैं, बटर खाने की चीज़ें होगी, वो सब गुड्स हैं। सर्विसेज आपको बता ही दिया मैंने, बैंकिंग सर्विसेज हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी सर्विसेज के अंदर आएंगी।
तो इन पर कुछ टैक्स लगते हैं। तो ये बेसिकली रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही रिकमेंडेड होता है, जिसमें मैंने आपको बताया 33 सदस्य होते हैं, और ये जो जीएसटी काउंसिल है इसका जो टॉप लेवल का हेड होता है वो होता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर। नीचे नीचे से ग्राउंड लेवल तक ये चीज़ें जाती हैं। उसके बाद देखिए न्यू जीएसटी रेट 2020, ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये 39 मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, जिसमें टैक्सेस डिक्लेयर किए गए थे कि कितने कितने टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएं। तो ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये पूछी नहीं जाती एग्जाम में। तो देखिए सर्विसेज में अभी नील टैक्स है, जैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज, लगभग एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी चैरिटेबल एक्टिविटीज पे कोई रेट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, 18%। सर्विसेज नॉट डिफाइनिंग एनी वेयर इन द टैक्स स्लैब, ऐसी सर्विसेज जो किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आई ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 18% में चली जाएंगी। होटल हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, जिनका प्राइस एकोमोडेशन 1000 से कम है पर डे का, तो वहाँ पे भी नील टैक्स के अंदर है ये। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होगी, अब जैसे कि रेलवे हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इनके लिए जो आपकी लगे कि वो कितनी लगेगी, 5% की कैटेगरी में आएंगी। 12% रेट देखिए, जो 12% है होटल एकोमोडेशन, जो कि 1000 रुपये से ज़्यादा जिनका रेंट है पर डे का, तो वहाँ पे 12% के अंदर आएंगी। 18% में देखिए आपकी सर्विसेज जो होगी, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज होगी। 28% रेट जो सर्विसेज में आएंगे आपके, 28% जिन पर लगेगा, 5-स्टार होटल हो गए, 7-स्टार होटल हो गए आपके, एंटरटेनमेंट सर्विसेज होगी, गैम्बलिंग होगी और वाटर पार्क हो गए। अब ये आपके गुड्स से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा, जो गुड्स से रिलेटेड आपकी सर्विसेज लग रही हैं वो देखिएगा आप गुड्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपका नील पे, जिन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा गुड्स पे, लाइव एनिमल्स हो गए, डॉग्स हैं हो गए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स जैसे आलू टमाटर अंगूर, इन सब पे कोई अभी टैक्स नहीं लग रहा, 0.20%। देखिए अभी 2020 अप्रैल के बाद जो टैक्स स्लैब निर्धारित की गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, 0, 0.25, 3, 5, 12, 18 और 28%, ये अभी टैक्स स्लैब है। ये शायद पूछ लें आपसे कितनी होगी, ये 3, 3, 6, 7 हमारी स्लैब्स हैं। इससे पहले जब शुरू शुरू में आया था तो ये 5 स्लैब थी, अभी कितनी स्लैब है, अभी हमारी 7 स्लैब्स हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए 0.25% में क्या है, डायमंड हो गए, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, 3% में आपका गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, 5% में आपके डेली फूड आइटम्स हो गए, जैसे कॉफ़ी, टी, पिज़्ज़ा, मिठाई, शुगर, ऑयल, ये पीपीई किट हो गए, आपके मास्क हो गए, ठीक है, ये जो अभी कोरोना को लेकर के जो पीपी किट्स बनी थी आपकी, मास्क बने थे, तो वो 5% के अंदर जो है वो आते हैं। 12% में आपका वेंटिलेटर आता है, ये लाइव जो आपके एनिमल्स हैं वैसे तो इसमें नील में आते थे, लेकिन हॉर्स जो है वो आपका 12% में आता है। टूथपेस्ट 18% लग रहा है, मोबाइल फ़ोन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मोबाइल फ़ोन का अगर पूछ लें तो ये मोबाइल फ़ोन अभी महंगे हो गए आपके अप्रैल 2020 के बाद से, क्योंकि इन पे अभी 18% जो है वो जीएसटी लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए और प्रोसेस्ड फूड हो गया, पैकेट में जो फूड्स आते हैं, और जैसे मीट वगैरह हो गया, तो ये सब 18% के अंडर अभी, सॉरी 12% के अंदर जो है वो आते हैं। 18% में मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन हो गया, वो 18% के अंदर आता है आपका। उसके बाद देखिएगा 18% में हेयर ऑयल हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, टूथपेस्ट 18% के अंदर आता है आपका, सोप हो गया, वो 18% के अंदर आपका आ रहा है। रेफ्रिजरेटर हो गया, अभी ये 28% में चला गया, रेफ्रिजरेटर बहुत महंगे हो गए हैं। तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, लग्जरी जितनी आइटम्स हैं उन पे 28% टैक्स लगता है। रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, और टीवी जो हो गया वो 32 इंच का, वो आपका इसी के अंडर आता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये अब कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, क्योंकि अगर वो जीएसटी के अंदर लाएंगे, जहाँ पे मैक्सिमम जो टैक्स रेट है वो 28% लगाई गई है, तो फिर सरकार को तो मैक्सिमम रेवेन्यू यहीं से जनरेट हो रहा है, तो कैसे उनको जीएसटी में वो डाल देंगे। देखा जाए तो जब एक नेशन एक टैक्स एक मार्केट की बात की है, तो फिर ये चीज़ें बाहर क्यों निकाली, फिर तो जीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाता। तो ये सरकार जो है वो पेट्रोल के, अगर मैं कहूँ, दाम कच्चे तेल के इतने नीचे आ रहे हैं,
एक साल के अंदर बहुत डबल से भी डबल नीचे आ गए हैं ये, लेकिन उन पे एक्साइज ड्यूटी लगा लगा करके, उन पे अलग अलग तरीके के सेस लगा के, और 69% टैक्स लगाने वाला भारत जो है वो पहला ऐसा देश बन गया है जो पेट्रोल और ईंधन पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगा रहा है। उससे नीचे आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जो 60% टैक्स लगा रहा है। मई 2020 से ये जो दरें हैं 69% जो है वो आपकी पेट्रोल होगी। देखिए जितना भी डाटा है ये डायनेमिक डाटा है, हो सकता है ये आने वाले टाइम में आपका चेंज हो जाए, फिक्स नहीं है ये डाटा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। अमेरिका में अभी हाँ 19% लग रहा है करंट सिचुएशन में। तो ये सारी चीज़ें जीएसटी से बाहर हैं, तो ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। डीजल व पेट्रोल पे रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 8 रुपये पर लीटर, जैसा कि मैंने सेस को बताया था ना कि टेम्परेरी एक उगाही होती है, टेम्परेरी ये लिवाई होती है, डेट इज जो कि लगाई जाती है कुछ टाइम के लिए ताकि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। जैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस जो होता है आपका HEC, ये आपका इनकम टैक्स से डिडक्ट कर लिया जाता है, जो आपकी इनकम टैक्स की अमाउंट होती है उस पर 4% ये कलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है टेम्परेरी थी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो पेट्रोल पर इन्होंने लगाया हुआ है, सेस लगाया हुआ है। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल पे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है वो इन्होंने लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। एक छोटा सा टॉपिक बच गया था हमारा, एडवलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स, इनके बारे में हम देख लेते हैं। एडवलोरम टैक्स क्या होता है? विच इज़ इम्पोज ऑन द प्राइस एंड वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी, हमारी कॉमोडिटी की प्राइस और वैल्यू के ऊपर ये लगता है। और जो स्पेसिफिक टैक्स होता है विच इज इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉमोडिटी लाइक लेंथ, वेट, वॉल्यूम एंड साइज, इसके बेसिस पर ये जो टैक्स लगता है वो आपका स्पेसिफिक टैक्स हो गया। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि टैक्स इम्पोज ऑन द सिगरेट इज स्पेसिफिक टैक्स, सिगरेट है, सिगार है आपकी, ठीक है, तो ये जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो इस पर टैक्स लगता है। उसके अलावा शुगर है, अब शुगर जो है वो वेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, 10 kg शुगर पे अलग टैक्स लगेगा, 20 kg शुगर पे अलग टैक्स लगेगा। तो डेट इज इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेट। एंड टेलीविजन, अब टेलीविजन जो होता है उन पे भी अलग अलग तरीके के साइज के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। 32 इंची का जो होगा आपका, 32 इंच का जो टेलीविजन होगा LED होगा, इस पर अलग टैक्स लगेगा। आपका 42 इंच का होगा तो इस पर अलग टैक्स लगेगा, 17 इंच का होगा इस पर अलग टैक्स लगेगा। तो ये जो होते हैं वो स्पेसिफिक टैक्स के अंडर आते हैं। एडवलोरम में जो कि वैल्यू और प्राइस के ऊपर लगते हैं टैक्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूँ, लेट अस से वी ऑर्डर अ फूड आइटम्स ऑफ 5 डिशेज इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट के अंदर हमने 5 डिशेज जो है वो ऑर्डर की हुई हैं, टोटल बिल हमारा 4,000 रुपये आ गया। तो अगर वो प्राइस के ऊपर टैक्स लगा रहा है, यानी कि डेट इज़ द वैल्यू एंड द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, तो जो कि 4,000 रुपये है, तो वो एडवलोरम टैक्स हो गया। अगर वो इम्पोज कर रहा है नंबर ऑफ डिशेस के बेसिस पे, कि आपने नंबर ऑफ डिशेस 5 ऑर्डर की हैं उसके बेसिस पे अगर वो टैक्स लगा रहा है, तो वो होता है आपका स्पेसिफिक टैक्स। तो यही था आपका, दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सेस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने ये सारी चीजें बनाई हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नेशनल इनकम के ऊपर मैं बनाऊंगा, वो भी बहुत अच्छी होगी। अभी आपके लगभग 7-8 टॉपिक बचे हैं जिसमें आपका पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी जो PDF है वो जल्द ही मैं कंप्लीट कर दूंगा विद द बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के दोनों ही इनको समझ सकते हैं, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।